स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को सीधे प्रीफेब वाले फोल्डर पे आ जाना है, जहां पर हमने अलग अलग प्रीफेब बनाया था, जैसे कि बॉल है, बैंड है, स्टार्ट है और टारगेट है। तो टारगेट के अंदर आपने कोलाइडर यहाँ पर एड कर दिया होगा, सर्कल कोलाइडर। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये रहा सर्कल कोलाइडर, जो कि एक छोटी सी ग्रीन कलर की रिंग आपको दिखाई दे रही होगी। अब इसके अंदर हमें एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे आ जाते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पर एक नई स्क्रिप्ट बना लेते हैं, जिसका नाम हम देंगे टारगेट। अगर दोस्तों आप चाहें ना, तो ये जो गेम मैनेजर स्क्रिप्ट हमने बनाई थी, उसके अंदर भी ये सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन होगा क्या कि स्क्रिप्ट बहुत लंबी लंबी हो जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस चीज़ को अफेक्ट करती है। तो इससे अच्छा है कि हम जैसे कि टारगेट है, तो टारगेट के लिए हमने एक अलग से स्क्रिप्ट बना ली है। जैसे कि बैंड है, तो बैंड के लिए अलग से स्क्रिप्ट है। बॉल है, तो बॉल के लिए अलग से है। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी चीज़ के अंदर हमें कुछ फेरबदल करना है, तो हम डायरेक्टली उसकी स्क्रिप्ट के अंदर ही करेंगे। तो अब आ जाते हैं प्रीफेब वाले फोल्डर पे, टारगेट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे टारगेट लिखेंगे, तो स्क्रिप्ट आपको दिखाई देगी। यहाँ से आपको स्क्रिप्ट ऐड कर देनी है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। ये लीजिए, हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पर ओपन हो गई है। अब दोस्तों इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको इतना सिखा दिया है कि यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करूं या मैं कुछ कोड्स लिखूं, बाद में आपको एक्सप्लेन करूं, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्या किया है। अब तक आप लोगों ने इतना तो सीख ही लिया है। अगर फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, हर एक चीज़ आप डिटेल में हमें एक्सप्लेन करो, तो अगले वीडियो से मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो से थोड़ा आपका टाइम बचे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर आगे बढ़ूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिए हैं, कुछ कंपोनेंट लिए, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या लिया। एक तो मैंने पार्टिकल सिस्टम यहाँ पे लिया है, उसके अंदर मैंने इसका नाम दिया है, उसके ऑब्जेक्ट का नाम पार्टिकल। और यहाँ पर मैंने स्प्राइट रेंडरर लिया है, यानी कि उसको नाम मैंने दिया एसपी। एक बुलियन लिया है, कैन डिस्ट्रॉय, इसका उपयोग है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए। एक यहाँ पर मैंने फ्लोट लिया है अल्फ़ा, और उसको मैंने पहले से यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है 1। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप डिक्लेयर नहीं करना चाहते, तो आप यहां से सिलेक्ट करके स्टार्ट के अंदर आप यहां पर भी इसे डिक्लेयर कर सकते हो। और यहां पर मैंने एक वेक्टर 3 लिया है, जिसका नाम मैंने दिया लोकल। अब ये सब चीज क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं, जब बॉल हमारे टारगेट से टकराए, तब उसका स्केल बढ़ जाना चाहिए, मतलब कि वो बड़ा होके डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, इसलिए मैंने ये किया है। ये मैं आपको चलिए प्ले करके दिखा देता हूं। देखिए ये हमारा टारगेट है, यहां से हमारी बॉल शूट होने वाली है, और बॉल इससे जैसे ही टकराएगी, तो इसके अंदर जो भी इफेक्ट होने वाली है, वो सारी इफेक्ट मैं उस स्क्रिप्ट के अंदर बनाना चाहता हूं। तो पहले मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये देखिए उसके अंदर से पार्टिकल में से एक कॉइन निकले, मतलब यहां पर डायमंड शेप मैंने दिए के रखे, डायमंड निकले और वो डिस्ट्रॉय हो गया बड़ा होके। तो यही चीज मैं इसके अंदर करवाना चाहता हूं। तो ये आपने यहां पे लिख लिया आप कि हमें कौन कौन सी चीज की आवश्यकता रहेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने लोकल यहां पे लिया, इसको हमें यहां पे डिक्लेयर करना है। किस तरीके से, लोकल लिखना है और उसके बाद में एक्स, यानी कि हमें उसकी एक्स साइज चाहिए और फिर वाई साइज भी चाहिए होगी। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल, एक्स चाहिए तो डॉट एक्स करेंगे, और जो कुछ भी वैल्यू में मिल रही है उसके अंदर मैं +1 कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ में इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करने पर डुप्लीकेट हो जाता है, और यहाँ पर मैं कर दूंगा वाई। तो अब जो हमारा लोकल है वो एक्चुअल साइज से एक एक बड़ा है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए प्रीफेब के अंदर चलते हैं। ये जो हमारा टारगेट है उसकी साइज यहाँ पर फिलहाल 1 है और वाई भी 1 है, तो अगर इसको मैं एक और बड़ा कर देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ से इसको 2 कर देता हूँ और इसको भी मैं 2 कर देता हूँ, तो इसकी साइज अपने आप डबल हो जाएगी। तो ऐसा मुझे कुछ करना नहीं है यहाँ पर, ये हम करवाएंगे स्क्रिप्ट के थ्रू।
तो ये स्केल हमें मिल गया। अब उसी तरीके से मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, उसी तरीके से हमें ये जो स्प्राइट रेंडर है उसे गेट करवाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा sp इज इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट, और हमें क्या गेट करवाना है यहाँ पे, अगर आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या गेट करवाना है तो यहाँ पे जो लिखा होता है सीधा सीधा आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। और उसके बाद में ये ब्रैकेट, तो इससे क्या होगा कि हमें स्प्राइट रेंडरर जो है वो मिल जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने पार्टिकल डाला है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने बैंड के अंदर पार्टिकल डाला था, बैंड बिहेवियर के अंदर, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी हमने एक पार्टिकल लिया था और उस पार्टिकल को मैंने गेट किस तरीके से करवाया था, गेट कंपोनेंट इन चिल्ड्रन, यहाँ पर मैंने इसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसी चीज को मैं इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब याद रखिएगा यहाँ पर मैंने पार्टिकल नाम दिया है, अगर आपने यहाँ पर पार्टिकल की जगह पे पीएल लिखा है तो यहाँ पर भी आपको पीएल लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें पार्टिकल यहाँ से मिल जाएंगे। अब एक और बात है, पार्टिकल तो हमने यहाँ पर तो गेट करवा लिए लेकिन उसके अंदर हमने पार्टिकल डाले ही नहीं है। तो आ जाइए यूनिटी पर और टारगेट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए और इसके अंदर आपको पार्टिकल सिस्टम ऐड करनी है। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको और इफेक्ट में जाना है और उसके बाद में आपको पार्टिकल सिस्टम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पार्टिकल सिस्टम मिल जाएगी। पार्टिकल सिस्टम मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाई थी, तो उसी तरीके से आपको पार्टिकल सिस्टम यहाँ पर ऐड करनी है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। तो चेंजेस पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है। ये पार्टिकल सिस्टम यहाँ पर मैंने एक ली है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर ड्यूरेशन उसका एक कर दिया है और लूपिंग यहाँ से मैंने अनचेक कर दिया है, आपको भी अनचेक कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने जो उसकी लाइफ टाइम स्टार्ट है वहाँ पर मैंने 1 से 3 किया है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से एक कॉन्स्टेंट की जगह पर बिटवीन 2 कॉन्स्टेंट कर सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे मैंने 0.1 लिया है और साइज के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने 0.3 लिया है। इसको मैंने यहाँ से 2 कलर लिए हैं, मैंने बिटवीन 2 कलर्स कर दिया है यहाँ पर मैंने। आपका सिर्फ यही होगा तो आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद में मैंने क्या किया कि एक का कलर मैंने इतना अल्फा लिया है यहाँ तक का, मतलब ये 75% विजिबल होगा, 25% इसके अंदर अल्फा रहेगा, जबकि दूसरे के अंदर मैंने क्या किया कि 33% विजिबिलिटी है और बाकी का जो है वो मैंने यहाँ पर अल्फा इसका सेट कर दिया है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी उसकी सेट कर दी है। अब ग्रेविटी के अंदर मैंने यहाँ पे 0.2 रखा है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है, 0.1 रखे 0 रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ सर्कल में ब्लास्ट दिखाना है। और उसके बाद में यहाँ पर प्ले ऑन अवेक जो है वहाँ पर आपको अनचेक करना है, यहाँ पे चेक किया हुआ होगा आप उसे अनचेक कर दीजिए। इसके अंदर आ जाइए, यहाँ पर इसको 5 कर दीजिए और इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे 10 होगा 5 कर, लेकिन यहाँ पर 10 होगा तो आप 5 कर दीजिए। यहाँ पर प्लस की साइन करके एक बार इसकी साइकिल चला दीजिए, एक ही बार हमें साइकिल चलानी है। तो यहाँ पे 1 करेंगे, यहाँ पे काउंट है वो हम 3 करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि स्टार बहुत ज़्यादा निकल रहे तो यहाँ पे 15 कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत कम निकल रहे तो यहाँ से आप इसको डबल भी कर सकते हैं, बाकी का आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। शेप के अंदर यहाँ पर आपको सीधा सर्कल सिलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रॉप डाउन में से सर्कल, और कुछ नहीं करना है। अब इसे बंद कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर आपको आ जाना है कलर और लाइफ टाइम के अंदर। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई देगी। और अगर आपने यहाँ से बैंड सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ से आपको ब्लेंड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ये ऊपर वाले कॉर्नर पे जो ये पॉइंट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसका अल्फा जो 255 है उसकी जगह पे आपको कर देना है 0। बस इसका भी काम हो गया। ये देखिए, ये जो है ना दोस्तों, ये ऐसी चीज है इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सही फैसिलिटी दी गई है, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से भी आप पार्टिकल दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके अंदर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं फटाफट आपको ये दिखा रहा हूँ।
अब यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है टेक्सचर के अंदर, और यहाँ पर ग्रिड लिखा हुआ होगा वहाँ पर आपको स्प्राइट कर देना है, ये जो ग्रिड है वहाँ पर स्प्राइट कर दीजिए। और स्प्राइट करने के बाद यहाँ पर जो ये डॉट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसमें से आपको जो भी ठीक लगे वो आपको इसमें से ले लेने हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार ले रहा हूँ, अब बाकी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये बन गया हमारा पार्टिकल सिस्टम। इसको मैं एक बार प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे ही प्ले करेंगे ये इस प्रकार यहाँ से ये देखिए। चलिए तो इतना काम हमारा हो गया है, चलिए वापस चलते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर। अब यहां पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन कोलाइजन एंटर 2D। अब बेंड बिहेवियर के अंदर भी ये हमने बना के रखा था आपको अगर मालूम हो तो, यहां पर ये देखिए। तो सिंपली अगर आप वो वाला लिखना नहीं चाहते तो आपको यहां से इसको कॉपी कर लीजिए आप, और इसके अंदर यहां पर इसे पेस्ट कर दीजिए। अब उसके अंदर भी बॉल से टकराने पर इफेक्ट होने वाली थी, इसके अंदर भी बॉल के साथ टकराने पर इफेक्ट होने वाली है। अब यहां पे आपको एरर दिखाई दे रही होगी, तो ये जो यहां पर हमने बना के रखा था कोरूटीन उसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैं यहां पे कर देता हूं पेस्ट। तो ये एरर यहां से चली गई। अब इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, इसके अंदर क्या चेंजेस करने हैं मैं अभी आपको बताता हूं। अब इसके अंदर मुझे एक वाइल लूप चलानी है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे लिखूंगा वाइल, और उसके बाद में ब्रैकेट करके लिखूंगा अल्फा। जब तक अल्फा बड़ा है या तो बराबर है 0 के, तब तक ये लूप घूमती रहनी चाहिए। तो ये अल्फा हमने यहां पे 1 सेट करके रखा था, अब यहां से हम अल्फा माइनस करते जाएंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा माइनस 0.2f, यानी कि हर सेकंड पर इसके अंदर से 0.2f माइनस होता जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो हमने स्प्राइट रेंडर लिया था SP, उसके अंदर डॉट कलर करना है हमें, और इज इक्वल टू करके हम क्या करेंगे न्यू कलर, और यहां पर कर देंगे 1f, 1f, 1f। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में जो अल्फा रहता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अल्फा ही लिख देंगे, यानी कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब इस लूप को दोबारा घुमाने के लिए यहाँ पर हम उसे कुछ समय अंतराल देंगे कि ये 1 सेकंड में घूमना चाहिए, कितनी देर में घूमना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक रिटर्न लेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको लिखना यील्ड रिटर्न न्यू, और उसके बाद में लिखना वेट फॉर सेकेंड्स, और ब्रैकेट के अंदर आपको जितने ड्यूरेशन में उसको वापस घुमाना है उतना आपको लिखना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 0.1f, मतलब ये 1 सेकंड में 10 बार घूमेगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर आपको डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट कर देना है। अगर आप पार्टिकल को स्टॉप नहीं कराएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर अपने आप पार्टिकल बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्ट्रॉय और ब्रैकेट में लिख देंगे गेम ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने कैन डिस्ट्रॉय एक बुलियन लिया था, उसे हमें ट्रू करवाना है यहाँ पर, कैन डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू ट्रू। और अपडेट के अंदर एक कंडीशन हम डाल देते हैं, इफ कैन डिस्ट्रॉय, यहां पर जो हमने लोकल स्केल लिया था ये, अब उसे हम डबल करने वाले थे। किस तरीके से डबल करेंगे, तो आपको यहां पे लिखना है ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल इज इक्वल टू Vector3 डॉट, आपको लर्प लिखना है यानी कि LERP, और ब्रैकेट के अंदर करना है ट्रांसफॉर्म डॉट लोकल स्केल, मतलब के जो उसका खुद का लोकल स्केल है वो यहाँ पर पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद में जो उसका हम आकार देना चाहते हैं यानी कि उसका चेंज किया हुआ स्केल, तो चेंज किया हुआ स्केल क्या है, ये जो लोकल है वो वाला। तो हम क्या करेंगे, मतलब पहले उसका आकार क्या था 1, 1,
अब उसका आकार हो जाएगा 2-2, तो 2-2 के लिए हमने लोकल यहाँ पे लिखना है सिर्फ जो हमने यहाँ पे दिया था। ये देखिए यहाँ पे वेक्टर 3 हमने लिया था और इसकी x और y की वैल्यू हमने डबल कर दी थी। अब कितनी देर में ये कंप्लीट हो जानी चाहिए प्रोसेस, तो उसके लिए आपको लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम इंटू 5f कर देते हैं। तो ये जो टारगेट है उसकी यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई है। अब इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, अब इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करने के लिए पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी बेंड कहाँ पर है, हमारी बॉल टारगेट तक जाती भी है या नहीं। तो हमारी बॉल यहाँ पे टकराएगी और यहाँ आएगी, यहाँ आएगी और इस तरफ जाएगी, मतलब बॉल के अगर टारगेट जो है वो यहाँ पर रहेगा तो, या फिर यहाँ पर रहेगा तो इसके साथ हम टकरा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो नंबर है टारगेट हमें यहाँ पर स्पॉन करवाना है। तो यहाँ पे क्या नंबर है, 28 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल ग्रीड होल्डर को आप सिलेक्ट कीजिए और उसकी स्क्रिप्ट के अंदर आप चले जाइए और यहाँ पर जो टारगेट पोजीशन है उसको हम 28 कर देते हैं। यहाँ पर मैं लेवल 2 रख के मैं गेम खेल रहा हूँ। जो हमने, अगर आपने पहले से वीडियो देखी है तो आपको मालूम होगा कि पहले लेवल को हमने स्किप कर दिया था, डायरेक्टली लेवल 2 से हम गेम खेल रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार मैं इसे प्ले करता हूं। अब ये देखिए बॉल यहां टकराएगी, इस तरफ आएगी, यहां जाएगी, इस तरफ आएगी और यहां से यहां। तो ये देखिए बॉल उसके साथ टकराने पर ये बड़ा होकर डिस्ट्रॉय भी हो गया और उसके अंदर से पार्टिकल भी निकले, लेकिन बॉल फिर भी आगे चली गई। तो बॉल के अंदर भी हमें ये कंडीशन डालनी पड़ेगी कि अगर वो टारगेट के साथ टकराता है तो बॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए। तो पहले तो इसके लिए हमें प्रीफैब में आ जाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको टेक देना पड़ेगा। टेक देने के लिए ऐड टेक के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखिए टारगेट, इसे सेव कर लीजिए, वापिस टारगेट को क्लिक कीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब आ जाते हैं बॉल बिहेवियर के ऊपर, यानी कि बॉल स्क्रिप्ट के ऊपर जो यहां पर हमने लगा के रखी थी। अब यहां पर मैंने कंडीशन एक दे के रखी थी कि अगर वो बैंड के साथ टकराता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, अगर वो वॉल के साथ टकराता है तो गेम ऑब्जेक्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली एक और कंडीशन हम डाल देते हैं, और के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइन आपको दो बार लगानी है यहाँ पर और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक काम करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या काम करना है। LIKE इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए अब यहां पे हम लिख देते हैं टारगेट, इसको हमने सेव कर लिया है। वापिस चलते हैं हमारी गेम के ऊपर और इसे हम यहां पर प्ले करके भी देख लेते हैं। तो ये देखिए यहां से बॉल शूट होगी, इस तरफ आएगी, यहां जाएगी और यहां पर। तो ये देखिए ये हमारा लेवल यहां पे कंप्लीट हो रहा है। लेवल कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर एक पैनल आ जानी चाहिए और जो पीछे दिखाई दे रहा है वो एकदम ब्लर हो जाना चाहिए। चलिए ये वाली गेम के अंदर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फायर किया तो ये सारी चीजें ब्लर हो जाएगी और एक पैनल यहाँ पर सामने ओपन हो जाएगी। ये देखिए तो ये एकदम ब्लर हो रहा है, तो बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम बढ़िया से लग रहा है कि ये ब्लर हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें काम करना है, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।